नाजीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज इंडिया। नाजीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको सबसे पहले मिल सकें। नाजीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। नाजीन, आज हम उनसे बात करेंगे बाबरी मस्जिद के मुकदमे के बारे में। मुमताज साहब, बाबरी मस्जिद मुकदमा जो है अब किस मरहले में है, बहस अब तक कहां तक पहुंची है? देखिए, बाबरी मस्जिद का मामला जो सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच यानी 5 रुकनी बेंच जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सदारत में चल रही है और वो अभी 9वें मरहले की समाप्त वहां पे कल हुई थी और आज 10वें मरहले की समाप्त होगी। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा का मौकिफ सुना था, इसके बाद रामलला को ये मौका दिया गया। तो जाहिर से बात है कि हालांकि जमीयत उलमा हिंद की जानिब से और मुस्लिम फरीकैन की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि चूंकि वो फरीक अव्वल हैं इसलिए उन्हें पहला मौका दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया और सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा के मौकिफ को सुना। निर्मोही अखाड़ा ने, जैसा कि आपको मालूम है, कि कोई सबूत पेश नहीं कर सका। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाइए और तैयारी करके आइए। निर्मोही अखाड़ा ने कहा था कि दरअसल 1982 में एक डाका पड़ा था तो सारे कागजात चोरी हो गए, इसका काफ़ी मजाक भी बनाया गया, यानी बगैर सबूत के निर्मोही अखाड़ा वहाँ पहुँचा था। अब रामलला का मामला है तो रामलला ने पहले तो हाई कोर्ट के तमाम हवाले, वो गवाह और तमाम जो फैसले वो पढ़े, अब इसके अलावा हवाले दे रही है तमाम पुराणों के और इसके उसके तमाम चीज़ों के हवाले वो दे रही है। कल जो है फिर वो हवाले दिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एतराज़ किया और कहा कि हमें हवाले नहीं चाहिए बल्कि सबूत चाहिए। तो ये पूरा मामला जो है अभी चल रहा है। इसके अलावा एक और फरीक की जानिब से मामले की समाज शुरू हो गई रामलला के अलावा। तो रामलला के अलावा जो समात हो रही है तो वो भी हवाले ही दे रहा है, कोई सबूत पेश नहीं कर रहा है। तो ये पूरा अभी तक मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी समात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट बहुत बारीकी से चीज़ों को देख रहा है और समात कर रहा है। जी मुमताज साहब, एतिकाद नहीं बल्कि सबूत की बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, इसको आप कितना अहम मानते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कहा था कि ये जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक के मिल्कियत का मामला है, ये दरअसल एतकाद यानी आस्था का ताल्लुक इसका नहीं है बल्कि ये मिल्कियत का मामला है यानी ज़मीन का मामला है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही चीज़ दोहराई, जब ये आस्था की बात बार बार कही गई, बार बार हवाले दिए गए पुराणों के और किसके किसके, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें हवाले नहीं चाहिए, हमें सबूत चाहिए, आप हमें सबूत दिखाइए कि आखिर कैसे वहाँ पे मंदिर था और क्या उसके डॉक्यूमेंट हैं, वो चीज़ हमें पेश कीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये दोहराया कि देखिए, ये मामला जो है वो एतकाद का नहीं है, आस्था का नहीं है, बल्कि ये मामला ज़मीन का है और ज़मीन के एतबार से ही इस पर कोई फैसला होगा। और तो ये चीज़ जो है, मैं समझता हूँ कि एक चीज़ क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले दिन स्टैंड था इस मुकदमे को लेकर के, वो स्टैंड आज भी कायम है, जिसको लेकर के तमाम जो फरीक मुखालिफ, एक तरीके से कहा जाए चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, दूसरे मुस्लिम फरीकैन हो, उन्होंने बहुत इत्मीनान यानी इत्मीनान का सांस लिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरा किया है वो इत्मीनान बख्श बात है। तो इससे एक उम्मीद पैदा हुई है, वरना तो लोगों को खौफ है, डर है कि न जाने क्या होगा। जी मुमताज साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ यकीनन मिलेगा और बार बार, ख़ास तौर से मैं कहूँ तो मुस्लिम फरीकैन की जानिब से और मुसलमानों की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमारा एतमाद है, यकीन है और बड़े बड़े फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे फैसले लिए हैं और बहुत एक सबूत की बुनियाद पर ही फैसले दिए हैं। तो जाहिर है कि बाबरी मस्जिद पर भी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी
वो सबूत की बुनियाद पर करेगी, आस्था की बुनियाद पर नहीं करेगी, और अगर हम सबूत पेश कर सके तो वो मस्जिद ज़रूर हमें मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये यूसरा साहिबा कि मुस्लिम फरीकैन की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि ख्वा वो मनफी फैसला है ख्वा मुस्बत फैसला है, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा हम उसको सर झुकाकर कबूल करेंगे, चाहे वो हमारे हक में आए चाहे वो हमारे खिलाफ में आए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, और इतना एतमाद तो कम से कम जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उस पर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे फरीकैन जो राम मंदिर के हैं वो कितना एतमाद करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी तरफ से कहीं कुछ ये बात नहीं कही जा रही है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें आस्था की बुनियाद पर, हमारी आस्था है हमारी आस्था है, तो वो आस्था की बुनियाद पर फैसला चाहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कल बिल्कुल वादे कर दिया है कि हम आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं देने जा रहे हैं, आप हमें सबूत पेश कीजिए क्योंकि मामला ज़मीन का है। तो ये जो पूरा इस वक्त का जो बहस है, जहाँ से आपने सवाल किया कि किस मरहले में है, तो जो भी अभी तक डिबेट हुई है वहाँ पे जो बहसें हुई हैं और जो कल सुप्रीम कोर्ट का तबसरा था चीफ जस्टिस का, वो बहुत ही इत्मीनान बख्श है, और ऐसा लग रहा है कि वही मौकिफ अब भी सुप्रीम कोर्ट का है जो पहले दिन था। और चूंकि जमीयत उलमा हिंद और दूसरे फरीकैन की जानिब से ये कहा जा रहा था, बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि आस्था नहीं बल्कि सबूत की बुनियाद पर ही फैसला किया जाए, तो अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। जी मुमताज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। तो नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।